आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपया और 975 रुपया दान किया। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? उमेश और कपिल ने जो राशि दान किया, यानी जितना रुपया दान किया, उन दोनों के द्वारा दान की गई राशि का अनुपात में मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुपात होता क्या है, किसको अनुपात बोला जाता है। तो अनुपात एक से अधिक राशियों का, एक ही प्रकार के एक से अधिक राशियों का तुलनात्मक संबंध है, यानी कि कंपेरेटिव रिलेशन है। ठीक। अब अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात का चिन्ह ये होता है, यानी इस सिंबल को ही हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात या रेशियो, अनुपात या रेशियो। जैसे अगर यहाँ 15 है और ये 20 है, कहा जाए कि दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात के लिए दोनों के बीच में ये साइन हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। लेकिन अभी पूरी तरह से अनुपात में नहीं बदला है। अब अनुपात में बदलने के लिए इन दोनों को हम लोग तब तक काटेंगे जब तक कि दोनों का मसा यानी महत्तम समापवर्तक HCF 1 न हो जाए। अब काटे हैं कैसे? जिस संख्या से इसमें भाग देंगे उसी संख्या से हम लोग इसमें भी भाग देंगे। जैसे 5 3 15, 5 4 20। अब 3 और 4 का मसा निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अब यह पूरी तरह से अनुपात में बदल गया। तो 3:4 के अनुपात में क्या हुआ? आ चुका है। अनुपात का एक और शर्त है कि ये दो, जो भी दो राशि है या दो से अधिक, दो ही नहीं होता, दो से अधिक भी होता है, जैसे 15 20 25, यानी दो से अधिक हो गया, इसको हम लोग अनुपात में ही कहते हैं। तो इसका एक शर्त ये है कि जो भी 15 20 या इस तरह का जो राशि लिखा जा रहा है ये एक ही इकाई में होना चाहिए। एक ही इकाई का मतलब यदि ये रुपया पैसा में है तो ये भी रुपया पैसा में ही होगा, यदि ये किलोग्राम में है, यदि ये किलोग्राम में है तो इसको भी किलोग्राम में ही होना चाहिए, यदि ये ग्राम में है तो यहाँ ये भी ये ग्राम में होना चाहिए। यदि 15 का बात करें हम लोग यहाँ, कि यदि ये 15 मीटर है, 15 मीटर है तो ये भी मीटर में ही होना चाहिए, ये भी मीटर में ही होना चाहिए, यानी कि इकाई सभी का सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 15 यदि यहाँ मीटर में है और इसको हम लोग सेंटीमीटर में रख रहे हैं, इसको किलोमीटर में नहीं, जो भी इसका इकाई यानी यूनिट होगा वो समान यूनिट में होगा। अगर ये किसी का क्या है, एज है, उम्र है, तो ये भी उम्र ही होना चाहिए। यदि ये साल में है यानी वर्ष में उम्र है तो ये भी वर्ष में ही होना चाहिए, तब हम लोग कहते हैं कि ये अनुपात में है। अब अनुपात में एक और चीज देखा जाता है कि अनुपात में कब कराता है। जैसे कोई भी संख्या यदि पहले से अनुपात में है, जैसे 3:4 5 के अनुपात में यदि कोई संख्या है, तो अनुपात में रहने पर उसके साथ एक ही संख्या से हम लोग तीनों में या जो भी है तीन से अधिक में गुणा या भाग करते हैं तो अनुपातिक मान नहीं बदलता है। जैसे यदि इन सभी में हम लोग 10 से गुणा कर दें, सभी में 10 से गुणा कर दें, तो इसका अनुपातिक मान कभी नहीं बदलेगा। या 3:4:5 में सभी में हम लोग 10 से भाग दे दें, 10 से भाग दे दें, यानी जिस संख्या से भी भाग दे रहे हैं वो तीनों में भाग देंगे या सभी में हम लोग कह सकते हैं कि भाग देंगे, जिससे गुना करेंगे वो सभी में गुना करेंगे तो अनुपातिक मान नहीं बदलेगा। लेकिन ये सिर्फ गुना और भाग के लिए अप्लाई होगा, न कि जोड़ या घटाव के लिए। अब ऐसा नहीं है या कि 3:4 में हम लोग यदि यहाँ 5 को घटा दे और यहाँ 5 को घटा दे तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्लस या माइनस के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। अनुपात में अनुपातिक मान एक ही रहेगा। कब? जब
एक ही संख्या से सभी में हम लोग गुणा कर दें या भाग कर दें। हो गया, अब हम लोग अपने प्रश्न को बनाएंगे और जैसे जैसे प्रश्न बनते जाएगा जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होता जाएगा। तो हम लोग का प्रश्न क्या था कि इसको और इसको अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में बदलने के लिए सबसे पहले अनुपात में लिख लेंगे 750 रुपया और 975 क्या है रुपया है, दोनों रुपया में ही है, दोनों के बीच में क्या देंगे हम लोग अनुपात का चिन्ह यानी रेशियो। अब इसको काटेंगे कब तक, जब तक कि दोनों का मस यानी कि HCF 1 न हो जाए। तो काटते हैं 25 तिया 75 यहाँ 2 और यहाँ 2 तो 2 2 5 225 तो 25 9 225 3 से काट देंगे 3 10 30 और 3 से 13 3 39 10 और 13 का एलसीएम क्या आएगा ये मस महत्तम स्वापरतक 10 और 13 का 1 आएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अब कि ये 100% अनुपात में बदल चुका है। तो हम लोग का आंसर यहाँ क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 10:13 के अनुपात में। राशियों का क्या हुआ, उमेश और कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात 10:13 के अनुपात में था। हम लोग का अगला प्रश्न है दो भागों 27 किलोग्राम और 108 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा, इन दोनों को अनुपात में क्या करना है बदलना है। तो ये क्या है 27 केजी है और यहाँ क्या दे रहा है 108 ग्राम है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि अनुपात में क्या होना चाहिए, दोनों राशि एक ही इकाई में यूनिट में होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, ये किलोग्राम और ये ग्राम, तो या तो दोनों ग्राम में हो नहीं तो दोनों किलोग्राम में। तो हम लोग जानते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है और 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 27 तो यहाँ है ही ठीक है, इनटू ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1000 से गुना कर देंगे, क्या हो गया ग्राम में। अब ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, दोनों ग्राम में ही आ चुका है। अब दोनों के बीच हम लोग रेशियो यानी अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं, क्या हो गया ग्राम से ग्राम खत्म। 27 से काटेंगे 27 चौक 4 बार में चला जाएगा, 4 से इधर काटेंगे इसको तो 25 चौक 100 10 बचेगा, कितना आ गया 250 और यहाँ कुछ नहीं 1 यहाँ तो पूरा कट गया। अब इन दोनों का यदि हम लोग मस निकालेंगे HCF तो क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 250 और 1 का HCF 1 आएगा, तो ये 100% अनुपातिक मान में आ चुका है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 250:1। हम लोग का अगला प्रश्न है यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। अब यदि दो ही अनुपात में रहता है, यहाँ क्या दे रहा है x अनुपात y, तो इसको हम लोग x/y भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब यहाँ भाग भी होता है, लेकिन ये एक से दो से अधिक के लिए काम नहीं करेगा, जैसे x अनुपात y अनुपात z के लिए भाग का काम नहीं करेगा, यही कारण था कि अनुपातिक मान बनाना पड़ा। फिलहाल जो प्रश्न पूछ रहा है वो हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है x का 10% तो x का यानी गुना 10% क्या है y के 15% y का यानी गुना 15% के बराबर है, यानी दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है ठीक है। अब परसेंट से परसेंट क्या हुआ चला गया, क्या करना है तो x का मान क्या होगा, तो x के लिए बराबर के दूसरे साइड में जो अंक होगा उसको देखेंगे, तो अंक कौन है 15 है, यानी x का मान कितना हो जाएगा 15। y के लिए y के बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे
तो यहाँ क्या है 10, तो y का मान कितना हो गया 10। क्या करना था हम लोग को, अनुपात में बदलना है, तो अनुपात का हम लोग चिन्ह देंगे। अब क्या हुआ, अभी अनुपात में बदला नहीं है, जबरदस्ती हम लोग यहाँ चिन्ह दिए हैं, क्योंकि जब तक दोनों का मौसम नहीं होगा यह अनुपातिक मान नहीं कहलाएगा। तो 5 * 3 = 15, 5 * 2 = 10, अब ये हम लोग का हो गया 3:2 के अनुपात में इसका मान किसका, एक्स और वाई का। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3:2। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक गणित प्रश्नोत्तरी में यानी गणित के प्रश्न में, मैथ के क्वेश्चन में, कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, यानी गणित का क्या देना है, एग्जाम देना है, जिसमें 64 विद्यार्थी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को अनुपात में ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लड़का और लड़की का अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, बॉयज एंड गर्ल। टोटल कितना, टोटल कितना 64, लड़का और लड़की दोनों मिला के कितना, दोनों 64 है, लेकिन बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। फिलहाल कौन किससे अधिक है ये भूल जाएंगे, देखेंगे कि 16 अधिक है, यानी कोई ना कोई 16 अधिक है, यानी अंतर कितना है 16 का, दोनों में अंतर 16 का, तो जितना अंतर है उसको घटा लेंगे हम लोग, तो 16 का अंतर है 16 को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 814 के साथ में 1, 1, 1, 2, 4, 6, यानी कि यही 16 जो है दोनों में कम या ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये 48 विद्यार्थी जो है, 48 विद्यार्थी में आधा लड़का और आधा लड़की है, आधा लड़का और आधा लड़की, क्यों, 64 लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, तो जो भी अधिक था उसको हटा लिए, तो जो ये बचा वो बराबर बराबर होगा। तो 48 में आधा लड़की आधा लड़का, तो भाग दें कितना आ जाएगा 24, यानी कि फिलहाल के लिए 24 लड़का और 24 लड़की दोनों बराबर बराबर हो गया, ये तो बराबर हुआ, 64 विद्यार्थी में बराबर बराबर 24 लड़का और 24 लड़की, अधिक कौन है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, कौन, लड़कियों की संख्या अधिक है कितना 16, तो लड़कियों की संख्या 16 अधिक है तो 16 अधिक कर दिए। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आ गया 24 और ये कितना हो गया 6 * 4 = 10 = 2 + 1 = 3 = 4, क्या आया, ये हो गया लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या, ये संख्या आया, अभी अनुपात नहीं निकला है, यानी कि इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए जितना कम या अधिक बोलेगा उसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब जो बच गया, अब जो बच गया वो कितने लोगों का संख्या, यानी कितने लोगों का नहीं, कितने टाइप का, तो यहाँ कितना टाइप है, लड़का और लड़की, लड़की है और लड़का है, दो टाइप, अगर एक दो से अधिक होता तो यहाँ दो से अधिक यानी 3 से भाग देते, यहाँ दो ही टाइप है लड़का और लड़की, तो लड़का और लड़की दो टाइप का है, मैन वोमेन, तो क्या करेंगे हम लोग, दो से भाग दिए, दो से भाग यानी 24 24 का दोनों को हम लोग बराबर बराबर दे दिए, यानी पहले 24 लड़का और 24 लड़की, अब जो ज्यादा था, जो ज्यादा था उसमें हम लोग जोड़ दिए, कितना ज्यादा 16 ज्यादा, कौन, लड़की, तो लड़की में 16 ज्यादा जोड़ दिए, तो ये संख्या आ गया हम लोग का लड़के का और ये लड़की का। पूछ क्या रहा है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लड़का का संख्या क्या बॉय और टोटल, बॉय और टोटल, तो बॉय कितना है, कितना आया लड़का 24,
लड़का हो गया 24, लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल विद्यार्थी कितना, 64। 64 क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। बीच में जबरदस्ती का हम लोग अनुपात का साइन देंगे, क्योंकि अभी अनुपात में तो है नहीं, जब तक इसको पूरी तरह से काटेंगे नहीं। अब इसको काटेंगे हम लोग, 8 3 के 24, 8 8 64, दोनों का मौसम क्या होगा, 1। अब दोनों का मौसम 1, यानी कि दोनों का अनुपातिक मान आ चुका है, तो क्या होगा, लड़का और टोटल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, 3:8 के अनुपात में। तो हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3:8 अनुपात में। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है, जब एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना होता है, यानी पहला कंडीशन कि एक्स बराबर जब 37 है तो वाई का मान इतना होगा, तो आप ज्ञात कीजिए कि यदि एक्स का मान 16 है तो वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको पकड़ें, क्या बोल रहा है, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है, यानी कि एक्स अनुक्रमानुपाती क्या, वाई अनुक्रमानुपाती, यही है हम लोग का समानुपाती, ठीक। क्या बोला, यदि एक्स का मान 37, एक्स यदि कितना हो 37, तो वाई का मान कितना है, 92.5। इसको काटेंगे हम लोग, 37 से कम 37 से 7 2 14, 3 2 6 1 7, 74, 2 कितना बच गया, 92 में से 74 गया, 8 4 12 7 1 8 85, 185। तो 37 से 7 5 35, 3 5 15, 3 18, 5 बार में, यहाँ दशमलव था एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि जब यहाँ एक है, जब एक का मान एक होगा तो वाई का मान कितना होगा, 2.5। ये बोल कितना रहा है कि यदि x का मान 16 है तो y का मान कितना होगा, तो 1 को 16 बनाने के लिए 1 में 16 से गुना करेंगे, जब इस साइड में गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग पहले साइड में गुना करेंगे तो जितने से करेंगे गुना दूसरे साइड में भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अनुपात मान निकालना है, ये समानुपात, ये भी वही है समानुपात का मान। तो यहाँ 16 से गुना किए तो यहाँ भी करेंगे, अगर इधर हम लोग भाग देंगे तो इधर भी भाग देंगे। तो फिलहाल हम लोग को क्या करना था, एक को 16 बनाना था, तो 16 से गुना किए तो यहाँ भी 16 से गुना किए, कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ गुना करेंगे तो 16 5 80, 8 बचा 16 2 32, अब 32 8 40, एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो कितना आ गया 40, यानी x का मान यदि 16 होगा तो y का मान कितना होगा, 40। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 40।